हर हर महादेव, जय मां भारती। बहू के आने की खुशी अगर मना चुके हो सीमा को, तो कम से कम एक बार ये भी जानकारी जरूरी है कि बिना वीजा के अगर वो एंट्री कर सकती है, एक नॉर्मल औरत, बोला जाता है एक नॉर्मल है, तो एक बात बताओ, कितने आतंकवादी और कितने घुसपैठिए तो ऐसे ही आ जा रहे होंगे। बॉर्डर कोई भी हो, सिक्योरिटी हमेशा टाइट होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। देखो, मैं किसी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ या किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जिहादी मानसिकता के लोग, आतंकवादी, ये कहीं से भी कैसे भी आ सकते हैं। उनका सपोर्ट करने वाले हमारे हिंदुस्तान के अंदर भरे पड़े हैं, पाकिस्तानी जिहादियों के। तो एक बात याद रखना कि आज अगर सीमा आ गई तो कल आतंकवादी भी आ सकते हैं, और आतंकवादी आ सकते हैं नहीं, पता नहीं कितने आतंकवादी तो घुस चुके होंगे, सिर्फ मौके की तलाश में है। तो सावधान रहो, खुशियां इतना ज्यादा है, ये फालतू की बकवास चीजों पे मत मनाओ, ये सब बकवास ही है, बाकी मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। कोई बिना वीजा के एंटर अगर कर रहा है अपने देश के अंदर, तो अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हर हर महादेव, जय मां भारती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीमा खतरा है, वो अपने प्रेम में आई कि उसका कोई चाल है, वो जांच का विषय है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलना है, बिना वीजा कैसे वो एंटर की, बस। और अगर सीमा आ सकती है आप लोगों के हिसाब से, वो प्रेम में आई, तो फिर सोचो कि जो जिहादी नफरत करते हैं, जो आके यहाँ पे बम फोड़ते हैं, वो तो कभी भी आ जा रहे होंगे, और कुछ भी चल रहा होगा, सोचना इस बात। हर हर महादेव।